के लिए लौटूंगा। स्नेहा शेठ इस बीच मेरे साथ हैं। स्नेहा, आप किस तरफ हैं? ये सांसों के ब्रैकेट कहीं आपको मुश्किल में तो नहीं डाल रही? आपको भी लग रहा है ना कि आसानी से इसको हम पार कर लेंगे और हो सकता है आज की क्लोजिंग सांसों के ऊपर ही मिले? नमस्ते। अब जिस तरह से मोमेंटम देख रहे हैं, सांसों इज नॉट अ बिग हर्डल फॉर इंडेक्स नाउ। अगर आप देखें तो काफी ज्यादा प्राइसिंग दिख रही है हमें 10,600 की कॉल में, तो इससे ये देखते तो लग रहा है कि 10,750-760 इज नॉट अ बिग डील फॉर इंडेक्स एज ऑफ नाउ। तो ट्रेडर उसमें बाय करके ही ट्रेड करें, कोई भी डिप मिलता है अगर आपको तो उसमें एम्प्लॉय की पोजिशन बनाए, टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 10,760 के लेवल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, 720 से 750 का। स्नेहा, आपकी रिकमेंडेशन क्या, आपके शेयर्स कौन से हैं? पहला स्टॉक रहेगा प्रोग्राम टॉप की। आप इसमें देखेंगे काफी समय से प्रेशर में रहा है, लास्ट वीक हमने 13% का रिकवरी दिखा है इसमें। काफी अच्छे लॉन्ग पोजिशन बने हैं ये लेवल्स पर। हमें लग रहा है कि यहाँ से एक मोमेंटम और देखने को मिल सकता है ये भी नेक्स्ट वीक में भी। तो आप चेक कर सकते हैं कि 83-84 के लेवल देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं अराउंड 69 के आसपास। ठीक है, एक ही शेयर है, कोई और शेयर भी है? सेकंड स्टॉक है मारुति। अगर आप मारुति रूम में तो काफी अच्छा हम लोगों ने नियरली 2% का मूव देखने को मिल गया है। काफी सारे शॉर्ट पोजिशन थे, स्टॉक 9,350 लेवल से करेक्ट हो रहा है। बहुत सारे आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 87.15 का तो भी स्पॉट आ रहा है, 87.65 है, वो डीप स्टॉप लॉस है। या तो स्टॉप लॉस को ऊपर कर लेते हैं या तो टारगेट को बढ़ाते हैं, कुछ तो करना क्योंकि मारुति अच्छा चला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज सुबह से ही हम समझ रहे थे कि मारुति के अंदर एक मूव आएगा 8650 पार करने पर, वो आ गया, बहुत स्ट्रांग आया है। अभी के लिए टारगेट स्टॉप लॉस हम रिवाइज कर देंगे, जहाँ पे अगर आप करंट लेवल पर बाय करें, अगर 8710 से लेकर 720 के रेंज में अगर आप भी बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 8670 के आसपास और टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 8794 के आसपास। 8794 ना? ठीक है, तो 8794 हो गया मेरा टारगेट, करीब करीब 8800 हो गया मेरा टारगेट और 8670 हो गया मेरा स्टॉप लॉस अगर मैं हाल फिलहाल में अभी भी बाय कर रहा हूं। हालांकि शेयर 2% ऊपर, लेकिन स्ट्रक्चर को देख के मन करता है कि 2% वाला चीज को ना देखा जाए बल्कि स्ट्रक्चर की गंभीरता को देखा जाए। ये बात आपकी सच है। शुक्रिया आपका भी, बलरामपुर चीनी बताने के लिए और मारुति बताने के लिए। 200 आपकी तरफ से भी हो गए, रोहित हमको बता के